जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर बेल की मांग की है। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल किया है। इस याचिका पर 16 अप्रैल यानी कल कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 8.5 एकड़ लैंड स्कैम मामले में पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। वर्तमान में वह होटवार जेल में बंद है। इसके अलावे बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल में है। इस केस में जमीन के फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सदाम की भी गिरफ्तारी हुई है, जो इस वक्त 16 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।